कि आज इंडिया जो गठबंधन है, क्या मायावती जी को हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज की जो स्थिति और परिस्थिति है उस हिसाब से हम सभी दलों को एक साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहिए और इंडिया गठबंधन में यदि बसपा को भी लिया जाए तो बेहतर होगा। तो मायावती को इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए, क्या फायदा होगा इससे? नहीं नहीं, मायावती को तो निश्चित रूप से गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि भाजपा की विरोधी दल में भी हैं और गठबंधन जो तैयार हो रहा है वो भाजपा को विशेष रूप से सत्ता से बाहर करने के लिए, जिससे कि लोकतंत्र की रक्षा हो सके, तो मायावती को गठबंधन का हिस्सा निश्चित रूप से होना चाहिए। सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए जो उनके विरोधी विचारधाराओं की पार्टियां, उन्हें एक होना चाहिए, क्योंकि मोदी को भाजपा को 40% वोट मिला, बाकी 60% अदर है। अगर ये बिखराव ना हो तो सांप्रदायिक ताकतों को हम रोक सकते हैं और देश में आगे ले जाने की बात कर सकते हैं, विकास की बात कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन तो है ही, लेकिन जो लोग आ रहे हैं, मायावती जी का भी स्वागत है और हमारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो भी किया है वो सही है और आने वाला समय जो भाजपा सरकार है आज उसको भगाने के लिए जब सभी लोग मिलकर एकजुट होंगे तभी हम लोग उत्तर प्रदेश में और प्रदेश में कामयाबी पा पाएंगे। बिल्कुल, अगर सब लोग एकत्रित हो जाते हैं, गठबंधन पक्का दिल से तन मन धन से होता है तो कामयाबी गारंटी के 24 में सरकार कांग्रेस की होगी और माननीय प्रधानमंत्री हमारे राहुल जी होंगे। देखिए, जितना अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, जो बेस वोट बैंक की अगर राजनीति आज हो रही है उसमें मायावती एक बड़ा चेहरा है, जो अगर उनको इंडिया गठबंधन में मौका मिलता है तो एक बड़ा चेहरा होने के साथ साथ उनका जो बेस वोट है वो उनके साथ आज भी है। भले ही सीटें उनकी कम है लेकिन जो बेस वोट है उसके आधार पर मायावती एक बहुत बड़ा चेहरा साबित होगा। और यूपी में मेरी समझ से जो बैकवर्ड की राजनीति में मायावती का जो बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, वो एक बदलाव की राजनीति में कुछ असर डाल सकता है और इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा मायावती का। अगर इंडिया गठबंधन में बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं तो उसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा इस चुनाव में और बहुत बड़ा फर्क पड़ना जाएगा इससे। बिल्कुल, आज जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, जिस तरह से भाजपा की अत्याचार चल रहा है उस तरह से उसमें गठबंधन में शामिल अनिवार्य है और होना चाहिए उन्हें। नहीं नहीं, मायावती को तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना ही चाहिए ताकि सारे लोग जिसमें भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, नहीं चाहे और भी नीतीश कुमार हैं, लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव, सारे लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और सारे लोगों का हस्त्र वही होना है जो कृष्ण के समय जरासंध का हुआ था, तो वैसा ही हस्त्र ये यहाँ इंडिया गठबंधन का होने वाला है। तो इनके कार्यकर्ता तो सब भाजपा में आएंगे क्योंकि जब ये कमजोर होंगे नेता तो निश्चित रूप से इनके कार्यकर्ता जो है वो भाजपा में आएंगे और भाजपा जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में आएगी। अपना जो सोचना ये है और देश का भी सोचना ये है कि 2024 का जो चुनाव है जातिगत पे नहीं है। आज 10 सालों से जो मोदी जी का जो काम किया है, सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास, वो पूर्ण धरा पे दिख रहा है। रहा सवाल मायावती जी का, जिस प्रकार से कांग्रेस या मायावती जितने भी लोग हैं जो गठबंधन जो बोलते हैं ठग गठबंधन, ठग बंधन में जितने सब तो बेल से बेल मिला हुआ है उनको, अब वो चाह रहे हैं कि हमारी सरकार बने और हम हमारे जो पर आरोप लगा हुआ है, जो एकदम जिस प्रकार से आरोप लगा हुआ है हमारे ऊपर और जो उन्होंने किया है इतने सालों से कांग्रेस के शासन काल में, वो हम लोग सब थोड़ा सा उसे निकले और सबको सहयोग मिले जिससे हमारा बेल हट जाए और हम जेल जाने से बच जाए। मेरा सोचना ये है कि इनको कहीं कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। इंडिया गठबंधन में यदि जाती है तो क्या फर्क पड़ेगा देश के लिए, आपकी राय क्या है? भाई, मायावती अवसरवाद की राजनीति करती है। यदि इंडिया गठबंधन में जाने से बीजेपी को फायदा होगा क्योंकि इस गठबंधन में देश के जितने भी ठग है इसी गठबंधन में है, जिससे नरेंद्र मोदी सशक्त होंगे, आने वाले लोकसभा में बीजेपी के चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। मायावती पूर्व में भी भाजपा के संग सरकार बना रह चुकी है, भाजपा और बसपा का सरकार एक बार यूपी में रह चुका है और मायावती को सपा से ज्यादा एलर्जी है,
अखिलेश और मायावती का नहीं होगा गठबंधन, इसलिए उसकी मजबूरी है कि वो भाजपा के साथ जाए। और भाजपा को भी मायावती को लेने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, उससे उसको फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, ये मेरा अपना मत है, है ना। तो उसको एनडीए में जाना चाहिए, और इसीलिए आज तक वो इंडी गठबंधन के किसी भी बैठक में मायावती नहीं गई है, और वो इंतजार कर रही है कि भाजपा वाले या एनडीए वाले उसको आमंत्रित करें या पूछें, तो वो उनमें जाके शामिल हो जाए। हिसाब से जो महागठबंधन हो रहा है, इसमें बहुजन समाज पार्टी का कोई क्रेश तो अभराई नहीं किया, पहले भी आगे भी बहुत से गठबंधन हुए जिसमें इन्होंने अपना रिजल्ट दिखाया है, और जो गठबंधन को सीटें मिलने के चांस हैं और जो मजबूती आने को है, लेकिन वो भी इतर बितर हो जाएगी, इसलिए महागठबंधन को बहुजन समाज पार्टी या मायावती का सपोर्ट न लेना चाहिए, ना साथ में रखना चाहिए। इंडिया का जो मायावती गठबंधन करना चाह रहे हैं, इनको ये गठबंधन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो 10 सीटें हैं, बाद में ये भी चले जाने का अंदेशा रहेगा अगर इन्होंने गठबंधन नहीं किया तो। भी इंडियन गठबंधन से जुड़ना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मायावती का वजूद ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे करके, तो इनको भी इंडिया गठबंधन से जुड़ना चाहिए। मायावती का अगर रहता तो बाकी सीटें जाने के तो डर रहे, और डर तो ऐसा है तो है 100%, क्योंकि उन्होंने कुछ देश के लिए सुधार तो किया नहीं, बिगाड़ा के अलावा कुछ नहीं किया। उनने रड़िया चारों तरफ गलियां खुलवा दी, गरीब आदमी धंधा पानी मर गया, रिक्शे वाले बेचारे सवारी लिए सवारी उतर जाती, उसके पैसे मर जाते, आपने क्या किया बताइए। अरे एक रोड पहले वो क्या करते, जिस तरह से लोग मायावती जी को देख रहे हैं, मायावती जी भी लोकतंत्र और संविधान के रक्षा के लिए आगे आना चाहिए, उनको भी बढ़ना चाहिए, इंडिया एलायंस का सहयोग करना चाहिए। केवल इंडिया एलायंस के लोग तो कर ही रहे हैं, इनको भी इनकी सोच बदलनी चाहिए, इनको भी एलायंस के साथ खड़ा होना चाहिए, उससे इनको भी ताकत मिलेगी, इंडिया एलायंस को भी ताकत मिलेगी। हमारे हिसाब से सर भी होना चाहिए गठबंधन में उनको, क्योंकि अगर देश को बचाना है और संविधान को बचाना है तो बहन जी को इंडिया गठबंधन में लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर गठबंधन में नहीं लेंगे तो हमको तो नहीं लग रहा है कि मतलब बीजेपी को हरा पाएंगे। तो मायावती जी को शामिल होना चाहिए, और क्योंकि ये फिरका परस्त ताकत है, इन लोगों ने पूरे देश में अपना तो फैला रखी है, और मायावती जी को बड़ा दिल करके इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए, क्योंकि सारी सेकुलर पार्टियाँ और सेकुलर लोग आज इंडिया गठबंधन की तरफ नज़र उठा के देख रहे हैं, इसलिए मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन के साथ आती है, क्योंकि देश की सेकुलर आवाम के लिए और देश की एकता और अखंडता के लिए फायदेमंद है। देखिए सारी पार्टियां जब इकट्ठ हो रही हैं जो है, और विपक्ष जब तक मजबूती के साथ जो है सामने नहीं आएगा, अपनी ताकत को नहीं दिखाएगा, तो उनको मालूम है विपक्ष जब तक पूरी तरह से भूमिका के साथ नहीं जो सामने बीजेपी को दिखा पाएगा, तब तक देखिए मालूम है जितना संभव है और सब गुटबाजी से अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो इससे निश्चय है कि जो है विपक्ष पूरी तरह से वो मिटिया मेल हो जाएगा इस तरह से ताकत के साथ, पूरी तरह से ताकत सारी पार्टियां मालूम विपक्ष को एकजुट होकर ताकत के साथ लड़ना चाहिए। कोई इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं, देखिए जहाँ तक राजनीतिक मामला है तो इनको विधानसभा चुनाव में एक बार सपा से गठबंधन इन्होंने किया ही था, तो उससे कुछ खास रिजल्ट नहीं आया था, तो मेरे हिसाब से तो उनको गठबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने जो उनका वोट बैंक है, वोट बैंक उनका दिन ब दिन कम होते जा रहा है, क्योंकि उनके जो बसपाई नेता हैं वो नेता कट रहे हैं, क्योंकि क्या कमियां हैं वो सपा बसपा कुछ मैनेज नहीं कर पाती है, उसको आपस में मैनेज करना चाहिए। और देखिए पार्टी में गठबंधन, जैसे पार्टियां बनी हैं तो गठबंधन करने कोई मतलब नहीं बनता है, 20 पार्टियां बना दीजिए, 500 पार्टियां बना दीजिए, उससे मतलब नहीं बनता है, लेकिन आप अपने स्तर से चुनाव लड़िए ना, आप अपनी राजनीति करिए किसी के साथ, हाँ ठीक है गलत काम होता है पार्टी में, तो मेरा मानना ये है ना कि गठबंधन नहीं होना चाहिए इनका, और इनको खुद अपने दम से लड़ना चाहिए। ये वैसे तो भाई डिपेंड मायावती बहन जी के ऊपर ही करता है कि वो गठबंधन के साथ में आएगी या नहीं आएगी, पर एक्चुअल में हमारा तो ये है अगर गठबंधन के साथ में आएगी तो गठबंधन मजबूत होगा, अगर गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ में आती है।
मायावती को इंडिया गठबंधन के साथ में चुनाव के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस पर क्या आपकी राय? हमारी राय तो यही है कि मायावती जी को गठबंधन के साथ में आना चाहिए। अच्छा, और बाकी उनकी सोच पर निर्भर है। मायावती को इंडिया गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, इस पर क्या आपकी राय? मायावती को चुनाव संगठन में लड़ना चाहिए, इससे मजबूती हो जाएगी उसकी, हमारी तो यही राय है।